गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले अप्रेंटिस किए हुए युवकों के द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के एचआर का घेराव करने और उन्हें 15 घंटों तक बंधक बनाए जाने के मामले में जिला प्रशासन से किसी तरह के सहयोग नहीं मिलने से आहत बोकारो ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ए के सिंह ने कहा कि कल जिस तरह की घटना हमारे एचआर के साथ हुई, इस घटना की हम निंदा करते हैं। इस घटना से न केवल हम आहत हुए हैं बल्कि बीएसएल का प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है। हम जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। कल गुरुवार के दिन जो अधिशासी निदेशक एचआर और वर्क्स के घर पर जो घेरा हुआ है और उनको करीब करीब 15 घंटा जो बंधक बनाया गया है, इससे इस घटना का पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। ईडी वर्क्स को, ईडी पीएनडे को, और कल अचानक से जो सुबह से ही बंद कर दिया गया, जो अच्छा नहीं हुआ, हमें जैसा प्रतीत होता है इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक हानि भी हुई है। प्रोडक्शन होता, कल का कुछ डिसीजन होता, उसमें आगे हम लोग बढ़ करके कुछ काम कर पाते, जो कल एकदम पूरी तरह से ठप रहा है।